हाय बेस्टीज, सो आज फाइनली मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में जो कि मेरी हुई थी पटाया में। आप लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स भर दिए थे कि बताओ स्टोरी, बताओ स्टोरी, बताओ स्टोरी, बताओ, तो हियर वी गो स्टोरी, दिल थाम लो। आई डोंट नो आप लोग को डरावना लगे ना लगे, बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही डरावना था और मैं तो काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो गई थी, बिकॉज आके भी घर पे ना मेरे को बड़ा वैसा सा लगता था कहीं कि सेम चीज़ ना हो जाए, और ये कोई है तो नहीं, ऐसी कोई एनर्जी तो मेरे पास नहीं है इसी वजह से। तो विल स्टार्ट द स्टोरी, मेरे साथ बटलर भी है तो वो भी आपको थोड़ा अपने ग्लिम्स बताएंगे, बिकॉज मुझे लगा पहले मुझे अकेले बैठ के स्टोरी बतानी चाहिए, बट वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करे तो ज़्यादा बेटर है। या स्टोरी स्टार्ट करने से पहले वी लेट यू नो कि ये हम किसी तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे। दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस, वी आर जस्ट शेयरिंग आवर ओन एक्सपीरियंस, आवर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। या सो पहली बात तो हम बताते थे कि जब हम पटाया गए थे, हम 3 दिन पटाया रुके थे। ओके, तो जब हम पटाया गए थे, मैंने आपको अपना होटल टूर दिया था, इट वॉज वेरी नाइस होटल, मतलब होटल बहुत अच्छा था, काफी अच्छी प्रॉपर्टी थी, काफी वेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी। या एंड द रूम वाज लाइक लिट, मैंने आप सबको सब दिखाया, अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज उस रूम की ना एनर्जी बहुत ही नेगेटिव थी, स्टार्टिंग से ही बड़ी नेगेटिव सी लगती थी वहाँ की एनर्जी। सो जब वहाँ पे हम पहली रात को सोए ना, तो मैं ना रात को ढंग से सो नहीं पा रही थी, बिकॉज मुझे हर रात को ना बड़े अजीब से सपने आते थे वहाँ पे। हमेशा मैं मतलब ऐसे उठती थी ना, तो मुझे लगता था रेस्टलेस सी फीलिंग आती थी, बिकॉज मैं सो ही नहीं पाती थी वहाँ पे मुझे बहुत अजीबो गरीब से सपने आते थे। जब अगर मैं बीच में भी उठूंगी तो बीच में मुझे ये लगता था कि मैं बहुत ही रेस्टलेस सा फील करती थी, और मैं हमेशा कहीं फंसी हुई हूँ, इसी तरीके के नेगेटिव सपने आते थे जो कि मुझे 2 दिन आए। तुम्हें आए ऐसे सपने? मुझे सपने याद है, लेकिन मेरे को बड़ी नींद आने में बड़ी दिक्कत आती है, लाइक वहाँ पे बड़ी दिक्कत आ रही थी। लाइक यूजली जब भी मेरे को नींद, जैसे मैं कभी भी सोता हूँ, आई फॉल स्लीप वेरी इजिली, 1 मिनट से ऊपर नहीं लगता मेरे को सोने में। वहाँ मेरे को सोने में आधा आधा एक एक घंटा मैं जागता रहता था, ऐसे ही कुछ भी नहीं कर रहा था, फोन भी नहीं देख रहा था मैं, फिर भी मैं ऐसी छत देख रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, आंखें बंद करके लेटा हूँ, नींद आ ही नहीं रही। मुझे तो नींद जो आती थी वो मेरी नींद ना के बराबर थी, क्योंकि बहुत उठने के बाद बहुत ही रेस्टलेस फील होता था। एंड उसके बाद मैं 2 दिन वैसे ही निकल गए थे, और मैंने मम्मी को बताई ये बात फोन करके कि मम्मा मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो ये बात मैंने मम्मा से शेयर करी, तो मम्मा ने बोला कि जनरली मैं ट्यूजडे को गणेश जी की पूजा करती हूँ, तो मैं ट्यूजडे चिकन नहीं खाती हूँ। तो मैंने बोला कि, उन्होंने मुझसे पूछा तूने ट्यूजडे चिकन खाया था? मैंने कहा हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है वेज का, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला इस वजह से तो नहीं हो रहा देखो। तो मैंने चलो उस चीज़ पर बिलीव करा, मे बी मेरे को लगा कि हाँ इसी वजह से। फिर क्या हुआ, मम्मा को बताया, मम्मा ने बोला बिकॉज तूने चिकन खाया ना इसी वजह से तेरे को ऐसा हो रहा है। मेरे को लगा, मैंने बिलीव कर लिया, मैंने कहा हाँ मे बी दिस इज द रीजन, मैं इसी वजह से सो नहीं पा रही हूँ। 2 दिन हमारे कट गए वहाँ पे, और वो रूम बहुत ही नेगेटिव था, बिकॉज अगर एक बार आप बेड पे लेट जाओ तो आपको लगता था आप उठोगे ही नहीं वहाँ से, मतलब इतनी गंदी फीलिंग थी। लाइक यू आर इन अ डीप थॉट, लाइक आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता, बस आप बेड पे लेटे रहोगे और आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। सेकंड डे तो यार, फर्स्ट डे तो इतना कुछ हुआ नहीं, मेरे को नींद तो आई नहीं रही थी, फर्स्ट डे तो इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन सेकंड डे तो बहुत मेरे को नेगेटिविटी फील हुई वहाँ पे। मतलब पहले, मतलब हमें कहाँ जाना था सेकंड डे, शायद वॉकिंग स्ट्रीट जाना था। हाँ। उससे पहले हम पूरा दिन बाहर घूम रहे थे, वी वर सो एक्साइटेड, हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, उस रूम में जाते ही दोनों का मूड फ्लिप, मन ही नहीं है जाने का, बिल्कुल मन खराब, मन कर रहा है बस निकलो ही मत इस कमरे से। Yes. और मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं है, सब खराब है, मतलब भी मजे अच्छी नहीं आ रही, ऐसा लगता है लाइफ में सब ही खराब है। yeah. पुरानी बातें मन में उठ के आ रही हैं, यार ये हुआ था, वो हुआ था, इसने ये बोला था, वो बोला था, अपने आप मूड खराब होता था बैठे बैठे। तो वही कुछ न्यू थॉट्स और कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं काम भी नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। फिर द थर्ड डे जब हमारे साथ कांड हुआ, वो तो पीक था, वो नहीं भूलूंगा कभी जिंदगी में, वो तो मैं भी नहीं भूलूंगी। बेसिकली क्या हुआ था, थर्ड नाइट व्हेन वी वर स्लीपिंग, तो रात को हम लोग ने, हम आए और हम सो गए, ठीक है, 1-2 बजे सो गए थे। हाँ, 1.5-2 बजे सो गए थे, 1.5-2 बजे सो गए थे, ठीक है। और भैया हमेशा राइट साइड सोते हैं और मैं हमेशा लेफ्ट साइड सोती हूँ। भैया ये क्या है, बटलर हमेशा राइट साइड सोता है और मैं हमेशा लेफ्ट साइड सोती हूँ, ठीक है, अपना अपना कॉर्नर है, राइट लेफ्ट, ठीक है, वो राइट कॉर्नर पे, मैं लेफ्ट कॉर्नर पे। फिर क्या हुआ कि एकदम से रात को 3:45 समथिंग लाइक दैट, 4:45 कुछ हो रहे होंगे, ओके 4:45 समथिंग, तो तब हमारा फूटता है कांच का ग्लास।
बॉटल, पानी की बॉटल फूटी थी। ओह माय गॉड, बैंकॉक जो गए उन्हें पता है कि वो वहाँ पे होटल्स में आपको कांच की बॉटल में ही पानी देते हैं, तो वो बॉटल एकदम से साइड वाली टेबल से जो कि ऑलमोस्ट इतनी ही ऊंची है, ठीक है, ज्यादा नहीं सिर्फ इतनी ऊंची है, और डेढ़ फुट की हाइट होगी उस टेबल की, मार्क्स बस, मार्क्स काफी नीचे थी वो। हाँ मतलब वो बॉटल इतनी मोटी होती है कि ना अगर उतनी ऊंचाई से अगर गिरेगी तो फूटेगी नहीं, बिकॉज वो बहुत कांच की बहुत मोटी बॉटल थी, बॉटल होती है रियूजेबल जो हम घर में यूज करते हैं ना, वैसे हैवी ड्यूटी वाली टफन ग्लास वाली, वो लाइक जिसमें कोक पीते हो ना आप, जैसे आप मार्केट में जाते हो वो कांच की, काइंड ऑफ वैसी ही थी वो, तो इतनी जल्दी से वो टूटती नहीं, तो वो उतनी सी टेबल से इतनी तेज टूटा, लाइक इट्स लाइक कि किसी ने पकड़ के उसको ऐसे भट मारा हो, इट वाज लाइक दैट राइट। मैं तो उठ गया था उस टाइम पे, वी वर लाइक व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड, हम दोनों उठ गए ठीक है, फटाफट लाइट जलाया, तो ऑब्वियसली वैसे जब कभी आप सो रहे हो और आपके हाथ लग के फोन वोन भी गिर जाए बेड साइड से तो इतना बंदा घबराता नहीं है, लेकिन जब वो बॉटल फूटी ना फर्स्ट, इट वाज लाइक कि बहुत तेज फूटी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती जमीन पे पटकी हो या, एंड मेरे एकदम से हार्ट बीट तेज, एकदम से मैं उठ गया, हम डर गए हम लोग, लाइक वो ये क्या हो गया क्या हो गया, मैंने उठते ही मैंने बोला तुमने कुछ गिरा, मुझे लगा कि हाथ पाथ लग जाता है गिर जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं था, ही सेड नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया ये वो। और फिर अगर देखा जाए, अगर आप पूरे दिमाग से सोचो तो उतनी ऊंचाई से बॉटल गिर के नहीं फूटनी चाहिए थी, इट्स लाइक कि किसी ने उसको जबरदस्ती तोड़ा है, दैट वाज द फीलिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उठ गए और हम डर गए, और हमने ऐसे ना हमने क्या किया था उठने के बाद, वो बॉटल वैसे गिरती भी है तो हल्की सी क्रैक होती है, शैटर होती है, उस बॉटल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, चकना चूर थी, उसे बॉटल कुछ नहीं बचा था। हाँ तो फिर उठने के बाद क्या किया था, वॉशरूम वगैरह गए थे, लाइट वगैरह, डर रही थी बहुत ज्यादा, लाइट्स वगैरह जलाई थोड़ी, हम लाइट जला के हमने डिसाइड किया कि अब हम लाइट जला के सोएंगे, ठीक है। तो अब सेम अगेन, अब हमने बहुत हिम्मत करी, हम 10-15 मिनट बैठ के बातें बातें कर रहे हैं, 10-15 मिनट के बातें, देखिए कूल डाउन हुआ थोड़ा, अरे कुछ नहीं होता, हाथ वाथ लगा होगा, कुछ मतलब अपने आपको माइंड को सेट करा कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, पर हम जाके सोए। 10-15 मिनट बाद जब हम सोए, 10-15 मिनट के बाद शी स्क्रीम्ड सो लाउडली, मतलब मैं इतनी तेज से कभी मैंने उसको चिल्लाते नहीं देखा था कभी, शी स्क्रीम्ड सो लाउडली, और मैं तो एकदम से उठ के बैठ गया अलर्ट होके, और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज, मुझे लगा मेरे को तो अभी हार्ट अटैक आता है, मेरे को लगा मैं आज गया, तो एकदम से मैंने कहा क्या हुआ, इसने बोला चलो यहाँ से रूम से बाहर अभी गया, अभी हम चप्पल उप्पल पहनी, सामान वामान छोड़ा और बस रूम की निकाली और भाग गए सीधा लॉबी में, और लिटरली उस रूम से निकलने के बाद वहां का टेम्परेचर कितना था, 24-25 टेम्परेचर था, मेरे को तो इतनी खतरनाक शिवरिंग हो रही जैसे मैं अभी ये दिल्ली की 4 डिग्री की ठंड में बिना जैकेट के खड़ा हूँ, ऐसी शिवरिंग हो रही है मेरे को तो बहुत शिवरिंग हो रही, और जैसे ने बोला भागो यहाँ से, मेरे फोन में डाउनलोड पड़ी है हनुमान चालीसा, मैं तो प्ले करी फटाफट, मैं बजरंग बली बचाएंगे अब तो, हनुमान चालीसा दैट टाइम, एंड आई विल टेल यू कि मैं इतना तेज क्यों चिल्लाई थी। बेसिकली क्या हुआ था, जब हम सो रहे थे 10-15 मिनट बाद बात करने के बाद हमने अपने आपको काम डाउन करा, देन वी वर स्लीपिंग ओके, और हम ऐसे मैं स्ट्रेट पोजीशन पे सो रही हूँ, बट ऑब्वियसली मुझे नींद नहीं आ रही है, बिकॉज अभी आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, आपको नींद एकदम से नहीं आएगी, तो आई एम लाइक इन लाइक आई एम ट्राइंग टू स्लीप, मैं बहुत अपने आप से स्ट्रगल करके सोने की कोशिश कर रही हूँ। सो किसी ने मुझे अपने फिंगर टिप से ऐसे टच किया, जस्ट लाइक हल्का सा फिंगर टिप से मुझे मेरे इस वाले हैंड पे किसी ने, बिकॉज राइट, पहले हमारा जो कांड हुआ था वो राइट साइड बॉटल गिरी थी, बट दिस टाइम लेफ्ट साइड से आई लिटरली फेल्ट कि किसी ने मुझे ऐसे करके टच करा, तभी मैं इतनी, बिकॉज आई नो ही स्लीपिंग राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में कौन है, तभी मैं चिल्लाई ओ माय गॉड। उसके बाद बोला, मैंने बोला ही आस्क मी क्या हुआ, मैंने नहीं बताया, मैंने कहा मैंने, वो भी डर जाएगा बोल के मैंने बताया ही नहीं, मैंने नीचे जाके लॉबी में बैठ के हमने, लेकिन जब चिल्लाई ना तो पता चल गया था कि अब पीक लेवल पे नेगेटिविटी पहुंच चुकी है, एनर्जी उस कमरे की ऐसी हो गई थी कि पूरी बॉडी शिवर कर रही है, हाथ पैर कहाँ पर है, बंदा रिएक्ट नहीं कर पा रहा बिल्कुल, क्या हो रहा है, बस कह रहा भागो यहाँ से, मन में आ रहा बस निकलो यहाँ से कुछ भी हो जाए, हम तो बहुत कांप रहे थे, मैं तो लिटरली बहुत ज्यादा कांप रही थी। उसके बाद फिर हम लोग वहां से निकले और वहां जाके लॉबी में जो हुआ वो सर बताएंगे। अब वहां से हम गए रिसेप्शन पे, मैं सोच रहा हूँ यार इसको बोलूं, मतलब जो फ्रंट डेस्क पे जिसकी ड्यूटी थी ड्यूटी मैनेजर की, ये सुबह के 4:30 हो गए थे, 4:30 बज रहे थे, मतलब इंडिया के 3 बजे। अब मैं फ्रंट डेस्क पे मैं सोचा जाके बोलूं ना बोलूं, स्टुपिड तो नहीं लगूंगा क्या, अब मैं किसी को जाके बोलूंगा भाई तुम्हारे होटल में भूत है, वो तो बोलेगा अरे पागल है के चल यहाँ से। मैं फिर भी बड़ी हिम्मत करके मैं जाके उसको बताया, फ्रंट डेस्क पे एक लेडी थी उसको बताया, तो
उसका रिएक्शन ऐसा था उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे था लाइक शी इज नॉट हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे उसने बात पहले भी कहीं से सुनी हो. मतलब अगर आप किसी को एकदम से जाके बोलते हो, मे बी हम गलत हो, हम जाके किसी को बोले हो, पहली बात तो डिनाई करेगा ना कि किसी नहीं. आप होटल पे जाके रिसेप्शन पे जाके अगर आप ये बातें बोलोगे या हमारे रूम में ऐसा हुआ है कि अपने आप कांच की बोतल फूट गई है, हमें लगता है कि वहाँ कोई है, तो दे विल स्ट्रेट अप डिनाई इट. रिसेप्शन वाले जो होते हैं वो बेसिकली यही बोलते हैं कि हम किसी को भेज देते हैं या आपके साथ कोई चल लेता है, हम देख लेते कोई है तो नहीं. ठीक है, सबसे पहले वो आप कंसर्न दिखाते हैं, बट शी वाज लाइक ठीक है, उसने कहा मैं रूम चेंज कर देती हूँ. उसने सिर्फ सीधा हमें ऑफर दिया कि मैं आपका रूम चेंज कर. माइंड यू, फाइव स्टार प्रॉपर्टीज में इतनी इजीली रूम चेंज नहीं करते, प्लस स्पेशली हम तो सीजन में गए हैं, प्रॉपर टूरिस्ट सीजन में, वो नहीं अफोर्ड करते रूम चेंज करना, वो नहीं करते रूम चेंज इतनी इजीली. बट उसने हमें सीधा ऑफर किया और तब 4:30 बजे थे. मैंने ही आस्क मी कि क्या करना, रूम चेंज करना है. मैंने कहा कि नहीं कोई फायदा नहीं है, अभी सुबह उठ के हमें चेकआउट करके निकलना ही है 2-3 घंटे के लिए, क्या मुझे वैसे भी रूम में जाके नींद नहीं आएगी. तो हम लोग जाके हम फिर बैठ गए वहीं पे लॉबी में. लॉबी में एक चेयर पकड़ के बैठ गए. मैंने तो 1 घंटा सारे भगवान के जितने भजन आते थे सब गा भी लिए, सुन भी लिए यूट्यूब पे चला चला के. वो तो था, मतलब मैं बता रही हूँ अभी हम इतने आराम से बता रहे हैं बिकॉज ये स्टोरी हमने सबको बता दी है. अब मैं स्टार्टिंग में आते हुए जब ये स्टोरी बताई थी मेरे को तो ऐसे एकदम चिल्स हो रहे थे, बट अब तो मैंने सबको इतना बता दिया कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता. वो इतना टाइम वीडियो को बनाने में इसलिए ही लग गया. हाँ, बिकॉज मुझे ना ऑब्वियसली मुझे उसे ना बहुत, बिकॉज व्हेन इवन आफ्टर वी केम बैक फ्रॉम द ट्रिप यू वर नॉट टोटली ओके विद इट. आई वाज नॉट. बैंकॉक में भी तुम्हारा मूड उतरा से ही रहता था जब वो लास्ट डे के लिए गए थे, एंड आफ्टर दैट जब वापसी भी आया 4-5 दिन तो तुम्हारा मूड अपसेट ही रहता था बिल्कुल. हमेशा लाइक जैसे अभी आप कैसा होता है ना, हमारी बॉडीज बहुत रिसीव एंड गिव आउट करती है एनर्जीज, तो जब आपकी इतनी हाई अमाउंट में नेगेटिव एनर्जी आती है ना आपकी बॉडी में, तो कईयों को मेंटली इफेक्ट पड़ता है, कईयों को फिजिकली इफेक्ट पड़ता है, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद, बुखार में पड़े रहते हैं. कईयों के मेंटली इतना इफेक्ट पड़ता है कि वो डील ही नहीं कर पा रहे थे, उनको टाइम लगता है उस चीज को गिव आउट करने में. मुझे मेंटली इफेक्ट पड़ा था बहुत ज्यादा. इफेक्टेड यू मेंटली अलॉट? या आई वाज लाइक बहुत ज्यादा मैं हो गई थी. मैं मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ इतना, मतलब क्योंकि आई एम द वन जिसने किसी का टच फील करा, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे टच किया. सो दैट्स इट आई गेस. या दिस इज व्हाट हैपेंड. सुबह हम उठे, मैंने फिर हम उठे और हम जाके थोड़ी देर रूम में सोए, मतलब बहुत ट्राई करके. 7 बज गए थे जब पूरा प्रॉपर सनलाइट हो गई, तब सारे पर्दे वर्दे खोल के सबके जब प्रॉपर लाइट आती रहे कमरे के, तब जाके सोए. वो 2 घंटे सोए होंगे मुश्किल से वहां पे भी. 9 बजे तो वो आ गया था कोविड टेस्ट करने, आ गया था वो, तो वहां से निकल आए. बट उस रूम का नंबर क्या है? 1720 1720 हमारी पटाया. अगर आप कभी जाओ और आपको ये रूम नंबर मिल रहा हो तो मत लेना प्लीज. क्या पता पूरे होटल में हो, ये हमें नहीं पता. बट उस पूरे होटल में तो नहीं होगा. पूरे होटल में तो इंटरनेट पे मिल जाता. इंटरनेट पे आए लुक्ड अप बाद में, ऐसा कुछ था नहीं इंटरनेट पे, किसी के ऐसे रिव्यूज नहीं थे, क्योंकि और कई ऐसी प्रॉपर्टीज में से होता है तो वहाँ पे लोग इंटरनेट पे जरूर अपनी भड़ास निकालते कि हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन कुछ नहीं था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में. पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ था वहाँ पे. माय रूम बहुत सॉर्ट ऑफ बहुत नेगेटिव था. और कई जगह होती है नेगेटिव. देखो हमको ऐसे प्री पहले से माइंड बना के तो गए देखे थे कि जगह ऐसी है. हम तो बहुत अच्छे माइंड सेट के साथ गए थे. हमें तो बहुत पसंद आ रहा था जब एंटर हुए रूम के अंदर. अपलोड करी थी वो नहीं हो रही थी. आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन. मैं इसको ब्लेम नहीं करूंगी. मेरी यूट्यूब में इशू था. मैंने डाला भी था स्टोरी अपने स्नैपचैट पे कि मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. तो मेरी वीडियो रह गई थी. आँख में डाल रहे हैं. हम मजाक में बता रहे हैं. आप सबको पता है, मेरे सारे स्नैपचैट फैमिली को पता है कि मैं जब आई थी, जब मैं वहाँ रिसेप्शन में बैठे थे ना, क्या कहते हैं 4:30 से लेकर 6:30 तक, वो जिंदगी के सबसे लंबे 2 घंटे थे. सच में यार, हर 2 मिनट बाद खिड़की की तरफ देखे भाई सनलाइट कब आएगी.
कब उजाला होगा और कब हम यहाँ से मूव कितनी देर तक मैं तो शिवर करता रहा कितनी देर तक मेरे को तो बहुत शिवरिंग हो रही थी। मैं तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी बॉडी ऐसे कहाँ पर थी पता नहीं कहाँ मेरे को किसी ने बर्फ में खड़ा कर दिया लिटरली। और ऐसा कोई वेदर नहीं था वहाँ पे कि इतनी ठंड लगे वहाँ पे प्रॉपर जीन्स वीन्स पहन रखी है ऊपर शर्ट वर्ट भी पहन रखी है उसके बाद भी ऐसे ठंड जीन्स पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। और वहाँ पे वैसे इतनी गर्मी थी कि जीन्स पहनी नहीं जाती थी वहाँ पे शॉर्ट्स में घूमा जाता था। मैंने कुछ क्लिप्स भी ऐड कर रखे है आप देख सकते हो कि सफाई करने वाला भी आया था सुबह वो सफाई और ये पूरी कांच की बॉटल इतनी गंदी से फूटी हुई है आप अगर देखोगे ध्यान से कांच की बॉटल बहुत ही मोटी है बट स्टिल। और सुबह हम जब बैठे हुए थे वहाँ पे लॉबी में हमारा ये हाल था कि हम पूरा कांप रहे थे पूरी फटी हुई थी हालत बहुत खराब थी। सो या मतलब आप जो मेरे स्नैपचैट फैमिली है दे नो दिस कि मैं जब से आई हूँ मैं ठीक नहीं हूँ और आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते भी रहते थे कि क्या हो गया आप ठीक नहीं हो क्या हो गया आप ठीक नहीं हो जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्रॉमाटाइज तो इसी वजह से ये हो रहा था। मुझे एक हफ्ता लगा इससे पूरा ओवरकम करने। हफ्ता लग गया पूरा तो मैं ऐसा नहीं अभी भी कर रही हूँ बट अभी मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ क्योंकि मैंने खूब लोगों से बातें करी और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आई है। ठीक है हमारे फैमिली पंडित जी है उन्होंने हमें बताया कि मुझे बोला उन्होंने कि आपके साथ हमेशा गणेश जी है तो डोंट वरी तो मैं तब से अभी आई एम नॉट वरी सो आई एम फाइन बेसिकली बेस्टीज आर यू फाइन आई एम टोटली फाइन मैं तो ठीक हूँ मैं तो उस रात भी ठीक था मैं डरा थोड़ी था अभी डरा नहीं था मैं थोड़ी डरा था ओ ओके हनुमान जी है साथ में किसका डर है सही बात है तो कोई आए उसको गदा फेंक के मारेंगे वो। ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दिस इज द होल स्टोरी व्हाट हैपेंड विद अस सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लव यू बेस्टीज प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बाय।